وبالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر هراهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حیات طیبہ کے عنوان پر چوتھی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور اسی عزا خانے کی حد تک نہیں بلکہ ہر اس مقام پر جہاں میں نے کسی عنوان پر تقریر کی ہے میرے پیش نظر یہ امر رہا ہے کہ فائدہ کسی خاص فکر و دماغ سے گزر کر عمومیت پیدا کر لے اور حاضرین مجلس جن میں ممکن ہے کہ مختلف العقیدہ احباب بھی ہوں ان مسائل کو سمجھیں اور غور کریں جن پر گفتگو کی جا رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہم مجلسوں میں اپنی تقریروں میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کسی اختلافی مسئلے پر بحث چھڑ جائے اور
उसकी वजह यह होती है कि आने वाले हजरात जब जहमत फरमा के आते हैं और अपने ख्यालात में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली पाते हैं और महसूस करते हैं तगय्युर, तो उनको खुद मालूम होगा कि इख्तलाफी मसाइल से कहीं ज्यादा अहम कुरान फहमी की तौफीक है, जिसको अल्लाह ये दौलत दे दे उसको वाकई नाज करना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान फहमी की तौफीक अता की है, कुरान को समझने की तौफीक अता की है। पढ़िए तो सवाब है, सुनिए तो सवाब है, लिखिए तो सवाब है, माना कीजिए तो सवाब है, गौर कीजिए तो सवाब है, मफाहीम को मुसलसल कीजिए तो सवाब है, असलूब फिक्र पे गौर कीजिए तो सवाब है, तारीख बना के देखिए तो सवाब है, अदब बना के गौर कीजिए तो सवाब है, दुनिया के किसी इल्म की बुनियादें खड़ी करके नाज कीजिए तो सवाब है। एक ही ऐसी दौलत आपके पास है कि जिसको समझने का इम्कान अब भी मौजूद है। नारे अल्लाह, इम्कान मौजूद है। सिर्फ ये है कि कुरान मजीद को अगर सही तौर पर समझा दिया जाए और समझाने वाले उसको अगर पूरी तरह से जहन नशीन करवा दें तो यकीनन इसके बाद भी गलत राह पर रहना, इसके बाद भी अपने आप की इसलाह न करना बड़ी गलती होगी, क्योंकि कुरान जैसे हादी और रहमत व शफाओ नूर के आ जाने के बाद फिर जुल्मत इल्लत और जलालत बाकी नहीं रहती, गुमराही बाकी नहीं रहती। वो शफा है, वो नूर है, वो रहमत है, वो हिदायत है और वो आज हम में मौजूद है। कुरान मजीद ने इस अम्र पर जिस चीज को वाज़ह कर दिया वो ये कि वो मर्द हो या औरत अगर अमल सवाले है तो उसको हम जिंदगी देंगे तैयब जिंदगी तकरार से वला नुहयिन्नहु हयातन तैयबा, हम उसको हयात देंगे मगर हयात तैयबा, हयात देंगे मगर हयात तैयबा। अब गुफ्तगू जहां तक पहुंची इन गुज़िश्ता तकरीरों में और उस सिलसिले से जबकि हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं, वहां आज आगाज ही में लफ्ज़ तैयब ही पे गुफ्तगू कर लें। कुरान मजीद में बहुत से अल्फाज ऐसे आए हैं कि जिसकी जिदें बतलाई, कुरान ने दिन की जिद रात है, लैल नहार, कुरान मजीद ने बतलाया नूर की जिद जुल्मत है, यह कुरान मजीद की आयत है। इसी तरह से कुरान मजीद ने बतलाया अम न जालुल मुस्लिमीन कल मुजरमीन, क्या मुस्लिम मुजरिम बराबर हो जाएंगे? मुस्लिम की जिद है मुजरिम, जो मुजरिम होता है वो मुस्लिम नहीं होता, जो मुस्लिम होता है वो मुजरिम नहीं होता। हम नजालुल मुत्तकीना कल फुज्जार,
मुत्तकी की जिद है फाजिर, फाजिर की जिद है मुत्तकी। बिल्कुल उसी तरह तैयब की जिद गोया नजिस नहीं है। यह एक अजीब बात है, तैयब की जिद नजिस नहीं है, बल्कि कुरान ने कहा हल यस्तविल खबीस व तैयब, क्या खबीस और तैयब एक हो जाएंगे? तो तैयब की जिद है खबीस, तैयब की जिद है खबीस। और इसी वास्ते सूरह नूर में वो आपको याद होगा ना, अल खबीसातो लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात व तैयबातो लिल तैयबीन व तैयबूना लिल तैयबात। अच्छी बातें अच्छों को जेब देती हैं, यानी ये आम जो तर्जमा है, आम तर्जमा, अच्छी बातें अच्छों को जेब देती हैं और अच्छे अच्छी बातें ही करते हैं, बुरी बातें बुरों को जेब देती हैं और बुरे बुरी बातें ही करते हैं। अगर खबीसात से सिर्फ बुरे जुमले मुराद हों तो, वरना अगर ज़विल उकूल मुराद हो तो इसमें फिर फिक्र को और आगे ले जाना पड़ेगा, जिस पर फिलहाल हम गुफ्तगू के लिए तैयार नहीं है। तो एक मसला तो तय हो गया, मुस्लिम की जिद है मुजरिम, मुत्तकी की जिद है फाजिर, नूर की जिद है जुल्मत, इसी तरह खबीस जिद है तैयब, खबीस जिद है तैयब। तो इरशाद फरमाया हल यस्तविल खबीस व तैयब, क्या खबीस और तैयब बराबर है? क्या खबीस और तैयब बराबर है? नहीं। फत्तकुल्लाह या औलिल अलबाब, साहिबान अक्ल अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। खबीस और तैयब एक सा नहीं होते। तो अब जब इतना जोर दिया गया कलामी मजीद में जगह जगह पर इस लफ्ज पर, कि सूरह फातिर में कहा इलैहि है यसअदुल कलमु तैयब वल अमलु सालेह यरफाहु, उसी की बारगाह में तैयब कलमा सऊद करता है और अमल सालेह उसको बुलंद करता जाता है। सूरह फातिर, इलैहि यसअदुल कलमु तैयब वल अमलु सालेह यरफाहु, तैयब कलमा सऊद करता है उसी की बारगाह में और अमल सालेह उसको बुलंद करता है। तो ऐसी मंजिल पर अब हकीकत तीब क्या है? हकीकत तीब क्या है? ये एक जरा सी देर की फिक्र होगी और वो भी कुरान मजीद की आयत। इरशाद हुआ अलम तरा कई फजरबल्लाहो मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। तूने देखा कलिमा तय्यबा की मिसाल, वो शजरा तय्यबा की सी है। शजरा तय्यबा क्या है? कि असल तो साबित हो, मुतजलजल न हो, मुतजलजल न हो, असल साबित हो, मोहकम हो, मजबूत हो, अपनी जगह पर हो, जड़ें मजबूती से जमीन में गड़ी हुई हो, और फरो हाफिज समा, उसकी डालियां आसमान में, यानी आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर आसमान तक मुसलसल हो।
मुलायरा फरमा रहे हैं, अलम तरकै वज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। तो उसके माना ये है कि तय्यब की शनाख्त यह है कि असल साबित हो। अब एक मुख्तसर से मैंने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, असल साबित हो, असल मुतजलजल ना हो, असल मुस्तहकम हो, असल मुतगैर ना हो, असल इस तरह से मजबूत रहे कि यह दरख्त जितना भी बुलंद हो जाए तो असल में इतनी ताकत हो कि वो अगर उसकी डालियां आसमान में भी पहुंच जाए तो असल अपनी नमू पिवीरी से आखिरी पत्ते तक को मुतासिर करती रहे। असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा, उसकी डालियां मजबूत हैं, साबित हैं, और असलो उसकी जड़ें मजबूत हैं, फरुहा फिस्समा डालियां आसमान में, फिस्समा बुलंदी में। तो अब एक सिफत तीब की, तय्यब होने की एक सिफत नजर आई कि तय्यब वो कि जिसमें तसलसल हो, तय्यब वो कि असल से लेके फरा तक एक हो, तय्यब वो कि बात बात में न बदले, तय्यब वो कि कौल में तगैयुर न हो, तय्यब वो कि जिसमें न असल में शक हो न फरा में शक हो। न असल में शक हो न फरा में शक हो, तय्यब। और ऐसी मंजिल पर आपने देखा, इसको कहा कलमा तय्यबा। कलमा तय्यबा की मिसाल यह है कि जैसे शजरे तय्यबा। अब कलमा तय्यबा इस्तिलाह आम में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, इसमें असल क्या है, फरा क्या है, असल क्या है और फरा क्या है, इस पर गौर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, और हम ही गौर करेंगे जरा सा वक्त लेकर। मगर आपकी फिक्र के भी तो हवाले करें कि कलमे पे आप ही गौर करें कि इसको तय्यबा क्यों कहा, कलमे तय्यबा क्यों कहा। इसलिए कि बुनियाद मोहकम है, बुनियाद मुस्तहकम है, बुनियाद कवी है, गैर मुतजलजल है, कोई ताकत उसको जुम्बिश नहीं दे सकती, और असल कवि है। बजाय इसके वो मसलो कलमतिन खबीसतिन, और खबीस कलमे की मिसाल क्या है, कशजरतिन तुसत मिन फौकिल अर्ज मा लहा मिन करार। और शजरे खबीसा की मिसाल यह है, शजरे खबीसा की मिसाल यह है कि जैसे किसी ने जमीन से अपनी जड़ों को हटा लिया हो और उसको जमीन पर करार न हो, करार न हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो खबासत वहीं है।
जहां एक सुई न हो, जहां आदमी एक दर का न हो, जहां इंसान एक का न हो। अबासत वहीं है जहां कुरान कह दे मालहा मिन करार, जिसके कौल को करार न हो खबीस है। आज कुछ कल कुछ, फिर जमाना बदले तो कुछ और, फिर हालात बदले तो कुछ और। आपने देखा, मैं तारीख से क्या मिसालें दूं और किन किन किताबों को मुआयने के लिए, मुताले के लिए मैं उनका जिक्र करूं कि कहां कहां फिक्र बदली, किस किस दौर में फिक्र बदली, पहले क्या था आज क्या सोच रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मालहा मिन करार करार नहीं है। तो अब एक बहस तय हुई कि तैयब में तसलसल भी है, तैयब में असल से फरा तक रब्त है, तैयब से में असल से फरा तक जो कड़ियां बनी हुई हैं, जिसको पहली तकरीर में कह रहा था, उसको कोई अलग नहीं कर सकता, उसको कोई जुदा नहीं कर सकता, बल्कि वो मुसलसल है और उनका तसलसल उनके तीब को, उनकी तहारत को, उनकी पाकी को, उनके नजासत से दूर होने को वाज़ह करता है। एक शजर, शजर है तैयब। अब वो शजर अगर खुल्द से चला है तो, अगर आदम से चला है तो, अगर वो शजर अंबिया का है तो, अगर वो शजर दोस्ताने खुदा का है तो। फिक्र से फिक्र मुसलसल हुई शजर बना, फिक्र से फिक्र मुसलसल हुई शजर बना। और इस तरह से जहां जहां तैयब नजर आएंगे वहां आपस में रिश्ता नजर आएगा, रब्त नजर आएगा, ताल्लुक नजर आएगा, मोहब्बत नजर आएगी। इसलिए कि सिनकियत एक है। लफ्जों पर गौर कीजिए, फलसफियाना लफ्ज है, सिनकियत एक है। जहां सिनकियत एक है रब्त एक है, मोहब्बत बाकी है, मोहब्बत बाकी। तो अब ये जो शजरे तैयबा है कि जिसकी असल साबित है वो फरो हाफिज समा, इसकी एक और भी सिफत है, इसकी एक और सिफत है कि दुनिया ये ना समझे कि शजर बेसमर है, बल्कि तूती उकलहा कुल्लहीन, हर जमाने में फल देता है, हर जमाने में फल देता है। ये शजर तैयबा की अलामत है कि बगैर समर के नहीं। अगर 1400 बरस के बाद भी कोई मजलिस बर्पा हो रही हो तो समर है, दावत फिक्र है, कुछ मिल रहा है, कुछ दामन में लेके जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो, बेसमर नहीं है, बेसमर नहीं है। तो तूती उकलहा कुल्लहीन। और फिर एक और भी शर्त, बेइज्ने रब्बहा, और रब का इज्न शामिल है, इजाजत रब की है कि हां। अब मैं सिर्फ इस एक मसले पे बहस करूं कि ये अपने रब के इज्न से फल देता है,
इन्हें शजर को फल भी आए तो इसने रब से आए, तो आखिर कौन सा शजर होगा ये, आखिर कौन सा शजर होगा ये। अब गुफ्तगू कलिमा तैयबा से हटकर इज्म से आई, सिलसिला कलाम देखिए इज्म। परसों तकरीर के बाद एक अजीज मुफक्किर का खत मिला और मैं परसों की तकरीर में एक आयत से गुजर गया था और वो आयत ये थी कि मा लकुम मिन दूने ही मिन वलियुम वला शफी, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वली और कोई शफी नहीं है। तो उस मेरे अजीज ने कहा बड़े एहतराम के साथ कि अगर यही आयत हमारे खिलाफ पढ़ी जाए और यह कहा जाए कि खुदा के सिवा जब कोई न वली है न शफी है तो फिर किसी को क्यों पुकारो, जरा इसकी तशरीह कर दें। तो चूंकि सवाल अच्छा था, तवज्जो के काबिल था और आपकी फिक्र को एक मरतबा फिर ताजगी बख्शने वाला था, जवाब आप सब जानते हैं, जवाब आप सब जानते हैं, मगर मेरा काम है एआदा ताकि जहन में रहे। यह आयत कुरान मजीद के 32वें सूरे में है, 32वां सूरा, 29 अनकबूत, 30 रूम, 31वां सूरा लुकमान और 32वां सूरा अलिफ लाम मीम तंजील, जिसको बाजों ने सूरह सजदा भी लिखा, और 33वां सूरा सूरह अहज़ाब है। 32वें सूरे में ही आए मा लकुम मिन दूनही मिन वली वला शफी, तुम्हारा उसके सिवा कोई वली नहीं है कोई शफी। जाहिर है कि आयत हमारी जान है, हमारे उसूल में से है और सिवा उसके कोई वली नहीं है, कोई वली नहीं। मगर जिस मंजिल पर गौर आपसे मैं चाहता हूं वो सिर्फ इसलिए कि मैं इज्म से आ रहा हूं, मैं इज्म से आ रहा हूं। तो अब मैं लफ्ज दून को समझाता हूं, मिन दून ही यानी उससे हटकर, मिन दून ही उसका गैर, मिन दून ही उससे बौध रखने वाला, मिन दून ही जो उसकी मिजाज से नासाजगार हो, मिन दून ही जो उसके हुक्म पर न चले। मालकुम मिन दून ही वलीयम वला शफी, उसके मादून लफ्ज बन गया, मीम अलिफ दाल वाव नून, उसके मादून कोई वली नहीं है। ये हमारा ईमान, और अगर कोई माजून हो, मीम अलिफ जाल वाव नून माजून हो, इज्म पाया हुआ हो, अगर कोई इज्म पाया हुआ है तो उसकी विलायत में क्या शक है। इसलिए कुरान मजीद ने वाज़ह तौर पे कहा इन्नमा वलीयकुमुल्लाह पे आयत रुकी नहीं, वह रसूल हो और उसका रसूल वली है। तो जब खुदा के सिवा कोई वली नहीं तो कैसे कह दिया कि रसूल वली है। देखिए सूरह सजदा की आयत है मा लकुम मिन दूनही मिन वली वला शफी, उसके मादून कोई वली नहीं है कोई शफी नहीं है। और यहां इरशाद होता है इन्नमा वलीयकुमुल्लाह, बस
आयत ही खत्म हो गई थी, नहीं वह रसूल हो, उसका रसूल भी वली। चलिए साहब रसूल वली है तो इज़्ज़त याफ्ता है, इसलिए इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबशरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही। दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, उसके इज़्न से दावत देने वाला है। चलिए माजून हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई। अब भी आयत रुकती नहीं है, अगर आयत यहाँ रुकती तो आपको एतराज हो सकता था। इन्नमा वलीयकुम अल्लाह व रसूलुहु, बस नहीं। والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون, और वो साहिबान ईमान भी वली हैं जो नमाज को कायम करते हैं, साहिबान ईमान नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में जक़ात देते हैं। तो विलायत का दायरा तो तवील हो गया। इस आयत को आप नहीं मानेंगे कुरान की? मालकुम मिन दूनही मिन वली वला शफी, सही है वो मादून विलायत है, ये माजून विलायत है, इज़्न याफ्ता विलायत है कि हमने इज़्न दिया तुम वली हो, और जब इज़्न दिया तो कहा इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के औलिया न उनको खौफ होता है न वो हुज़्न करते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दोस्तान खुदा औलिया खुदा खौफ नहीं करते, हुज़्न नहीं करते। अब कोई पूछे कि ये औलिया कैसे बन गए, यानी एक अजीब बहस है, एक अजीब बहस है कि कुरान जगह जगह अपने औलिया का तस्करा करे, जगह जगह। अरे इंतहा हो गई कि बाप ज़ईफ़ी में औलाद मानता है और आयत मैंने बारगाहे इमामिया सज्जादिया में पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफाया इंसान जिक्र रहमत रब्बे का अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا, परवरदिगार मैं कभी अपनी दुआ में महरूम नहीं रहा, तेरे रब की रहमत का तस्करा सुन जो ज़करिया पर उसने मबजूल की थी। जिक्र रहमत रब का अब्दहु ज़करिया, वो ज़करिया जो आहिस्ता आहिस्ता अपने रब को पुकार रहा था और कह रहा था मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी हड्डियां घुल गईं, मगर मैं दुआ में कभी महरूम नहीं रहा। वल्लमा कौन में दुआए का रब शकिया, और परवरदिगार इन्नी खिफ्तुल मवाली मिन वराई, मुझे अपने चचाजात भाइयों से डर है मेरे बाप। वकानत इमराती आकरन, और मेरी बीवी ज़ईफ़ा है, उसको औलाद नहीं हो सकती है। अब इसके बाद फहबली मिन लदुन का वलिया, अपने पास से मुझे वली अता कर, यानी आप 20 बरस के बाद 25 बरस के बाद विलायत नहीं मिली, तू बेटा दे तो विलादत के साथ विलायत दे। विलादत के साथ विलायत दे, वहबली मिन लदुन का वलिया। क्या जुमला है ये,
क्यों मांग रहे हैं आप, वली क्यों मांग रहे हैं? खुदा के सिवा तो कोई वली नहीं है, खुदा के सिवा तो कोई वली नहीं, आप वली क्यों मांग रहे हैं? और एक नबी, नबी मांगे वली। और फिर ये कि ये बात और है कि परवरदिगार बेटा दे, फिर वो अमले सालेह करे, तेरी इबादत करे, आहिस्ता आहिस्ता फिर वली हो जाए। नहीं नहीं, रोज़े खिलकत से वली हो, खिलकत से वली हो, तो पता चला कि जब खुदा बंदे अली आला अता पर आता है और जब किसी घराने पर अपनी रहमतों को मंजूर करता है तो वहां इसकी जरूरत नहीं होती कि दसवें बरस में वली हो, बारहवें बरस में वली हो, चौदहवें बरस में वली हो। तो यहां आठवें बरस का इस्लाम जिनको कबूल नहीं, कम सिनी का इस्लाम जिनको कबूल नहीं, वो गहवारे की विलायत को कैसे मानेंगे? झूले में वली है, झूले में वली है, हबली मिन लदुन का वलिया। और फिर यही नहीं, वली भी हो तो कैसा हो? यरिसोनी व यरिसो मिन आले याकूब, मेरा भी वारिस हो आले याकूब का भी। वजाल हो रब रसिया, परवरदिगार और तू उसको अपनी रजा का पाबंद बना, तू उससे राजी हो, वो तुझसे राजी हो। मैंने सारे सिफात बयान कर दिए, एक बेटा मांग रहे हैं और ये कहते हुए मांग रहे हैं कि हड्डियां घुल गई, बीबी बांझ है, मैं बूढ़ा हो चुका, मगर बेटा चाहिए, वली चाहिए, जिससे तू राजी हो वो चाहिए, आले याकूब का वारिस चाहिए, मेरा वारिस चाहिए। आवाज आई या ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरो का बे गुलाम मिन इस्महू यहया, यहया ऐ ज़करिया, हम बशारत देते हैं तुमको एक ऐसे फर्जंद की, बे गुलाम मिन इस्महू यहया, लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया, हमने ये नाम इससे पहले किसी को नहीं दिया है। कितनी सिफतें आ गईं, यानी इज़्न मिला, विलायत मिली, जिसको इज़्न मिलता है विलायत मिलती है, आप समझ गए? तो मादून विलायत क्या, तो हम भी कायल नहीं। अब हजार दावे सही, इज़्न बतलाओ, मादून विलायत के हम भी कायल नहीं। मालकुम मिन दूनिल्लाह मिन वली वला शफी, अल्लाह के सिवा न वली है न शफी है। तो मादून विलायत और मादून शफाअत के हम कायल नहीं है। और अगर माजून हो विलायत तो कबूल, और माजून हो शफात, ला यमलकून शफाअता इल्ला मन इत्तक़ा इंदर रहमान अहदा, शफात कोई मालिक नहीं होता मगर वो कि जिसने अपने महबूब से अहद कर लिया हो। इल्ला मन अज़न लहु रहमान व क़ाला सवाबा, मगर ये कि खुदा जिसको इज़्ज़त दे और वो सच कहे। तो शफी भी अगर माजून हो तो हमारा सरदार है, वली भी माजून हो तो सर आंखों पर है। अब सिर्फ यह है कि अगर मादून कोई वली है, मादून कोई शफी है, तो वो जाहिर है कि दुनिया की हद तक तो सारी बातें हो जाएंगी,
काम की बातें सुनिए, दुनिया की हद तक तो सारी बातें हो जाएंगी, करामतें भी आ जाएंगी, मुख्तलिफ बातें भी बतलाई जाएंगी कि हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, मगर आप उठा के किसी करामत की किताब को देखिए, अगर कहीं किसी जगह पे यह लिखा हो, किसी जगह पे यह लिखा हो कि महशर में घबराना नहीं, हम काम आएंगे। आप देख करामत दुनिया की हद तक है, वहां की गुफ्तगू कोई नहीं कर सकता। क्यों? इज्जत नहीं है, क्योंकि जिसको इज्जत विलायत है उसको इज्जत शफात है। इज्जत शफात है। बहरहाल गुफ्तगू इस मंजिल पर पहुंच गई तो एक और बात, और वो ये कि माजून है विलायत, इज्जत याफ्ता है, इज्जत याफ्ता है, रसूल साहेब इज्जत है, रसूल साहेब इज्जत है। और आवाज उसको दी, इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबशरम व नजीरा व दाइयन इलल्लाह बेइज्नही व सिराजम मुनीरा, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला इज्न के साथ और सिराज मुनीर, सिराज मुनीर है, चमकता हुआ आफ्ताब है, सिराज मुनीर है, यानी कल्ब पैगंबर उसका रुख जाते वाजिब की तरफ है, सिराज मुनीर चमक रहा है। अब इस सिराज मुनीर के मुकाबिल में कोई और आईना आए और उस आईने को देख के कहे मन कुंतम मौला फहादा अली जुल मौला, यह इज्न है, इज्न है, लिखा नहीं, छोड़िए छोड़िए, घबराइए नहीं, मुबाहला इज्न है, किसी और को ले गए, किसी और को ले गए, नहीं ले गए तो फिर क्या बनाया? नफ्स बनाया, नफ्स रसूल बनाया, यानी अगर रसूल को इज्न है तो नफ्स रसूल को इज्न है। कुर्बा इज्न है, कफीर इज्न है, वातिज अल कुर्बा हक्कहू इज्न है, यानी अगर इज्न की मंजिल पे आप देखते जाएंगे तो जगह जगह पर आपको इज्न नजर आएगा। और फिर एक मकाम पर तो सराहत सूरह निसा में, वो कातिल फी सबीलिल्लाह, मैं इससे पहले पढ़ चुका हूं इस आयत को, वो कातिल फी सबीलिल्लाह वला तुकल्लफ इल्ला नफ्सक, लड़ो अल्लाह की राह में, लड़ो लड़ो रसूल लड़ो, मगर अपने नफ्स के सिवा किसी को तकलीफ नहीं देना। वो कातिल फी सबीलिल्लाह वला तुकल्लफ इल्ला नफ्सक, किताल करो अल्लाह की राह में, ले जाओ फौजों को ले जाओ, मगर जब वक्त आए तो नफ्स ही आगे जाएगा। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा तो काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि इज़ा अहमर अलबास, जब कभी ऐसा हुआ है कि जंग की हौलनाकियां तेज तर हुई, कदम आसाब कदम अहल बैते वो वकाब ही मसाब हूं, तो हमेशा अहले बैत को आगे भेजते और अपने असहाब को बचा लेते। वकाब हिम असहाब हू, अपने असहाब को अपने नजदीक ले लेते, इतना मुहाफिज है रसूल।
तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, बद्र है, तुम मेरे नजदीक बैठो, मैं दुआ कर रहा हूँ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। कदम अहल बैत ही वकाओ भीम असाओ बहू, अपने असाब को बचाते, और यही वो मंजिल है कि जहां कोई मौर्रख तारीख इस्लाम का लिखने वाला क़यामत तक ये नहीं कह सकता है कि पैगंबर इस्लाम जंग की हौलनाकियों में अपने बच्चों को बचा लिया, अपने अजीजों को बचा लिया। कोई नहीं कह सकता। पहली लड़ाई बद्र 17 रमजान का, तुम जाओ, मेरे घर वाले हैं, तुम जाओ। उहद की लड़ाई हमजा की शहादत, 7 अलमदारा ने कुरैश को अली ने कत्ल किया है। जंगे मौता जाफर इब्न अबी तालिब की शहादत, और उसके बाद दूसरी सारी लड़ाइयां। वो कातिल फी सबीलिल्लाह वला तुकल्लफ इल्ला नफ्सक, अपने नफ्स के सिवा किसी को तकलीफ नहीं देना। तो जो नफ्स बने तो फकत इसलिए नहीं बनता है कि जंग की हौलनाकियों में तो नफ्स रहे, जंग की हौलनाकियों में तो नफ्स रहे, मगर जिस वक्त फजाइल का मकाम आए तो नजरअंदाज किया जाए नफ्स को। वो कैसे होगा? वो तो इज्न लिया हुआ है, इज्न लिया हुआ। अरे इज्न की अगर तफसीर दूं तो ऐसा इज्न जो जकरिया को भी नहीं मिला। पूरा सूरह मरियम मौजूद है, सूरह मरियम मौजूद है, गए तो इज्न नहीं मिला कि अंदर आए। मरियम वापिस जाओ, जचा खाना नहीं है। और यहां कबले विलादत आई और ये दुआ करते हुए आई कि उसका वास्ता जिसको अपने शिकम में लिए हुए। मेरे लिए इस मुश्किल को आसान कर कि एक मरतबा इज्न मिला। हमारी जान है कुर्बान। तो अब आप समझ गए, मालकुम मिन दूनिही मिन वलीयिन वला शफी, मालकुम मिन दूनिल्लाह मिन वलीयिन वला शफी, या अलिफ लाम मीम तंजील, या 32वें सूरे की आयत सही है, दुरुस्त है, कानून है, हक है, मगर मादून विलायत के लिए है। यानी माओ शुमा अगर कह दे कि हमको भी वही कुर्ब, विलायत के माने मालूम है आपको, विलायत कुर्ब, विलायत नजदीकी, नजदीकी। वो 1400 बरस बाद सही, मगर आईना अगर उसी तरफ है तो कुर्ब, तो कुर्ब। 90 करोड़ मील दूर सही आफ्ताब, मगर आईना सामने है तो ये भी आफ्ताब, ये भी आफ्ताब। ऐसी सूरत में वो सही है, लेकिन जहां विलायत माजून हो, जाल वाव नून, वो दाल वाव नून है, माजून हो, इज़्न याफ्ता हो, वहां अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दोस्तान खुदा न उनको खौफ तारी होता है न वो महजून। और फिर मुख्तलिफ मकामात पर विलायत अंबिया का तस्करा है, विलायत अंबिया का तस्करा है, और इस विलायत को खत्मी मर्तबत की कयामत तक जाना है, खत्मी मर्तबत की विलायत को कयामत तक जाना है। वही रुकी, इंसान तबीई को
चूंकि इंसान तशरीई बनाना था, नहीं मैं फिर उनवान पर आऊं, हयात तबीई को चूंकि हयात तशरीई तक लाना था वही आई, मगर जहां वही खत्म हुई उसके माना ये कि अब हयात तशरीई की हिफाजत एग्जीक्यूशन के साथ हो, अब कोई अमल करवाए, अब कोई अमल करवाए, अमल की जरूरत है। अब ये नहीं कि अगर तुम न कहो तो, अगर तुम न कहो तो रिसालत का हक अदा नहीं होगा, ये नहीं, इन लम तफाल आए बल्लिग में, इन लम तफाल, अगर तूने ये काम नहीं किया, खाली पहुंचाना नहीं है, इन लम तफाल है, तो ऐसी सूरत जहां हयात तशरीई को कयामत तक जाना है किसी हिदायत के जेरे असर, वो हिदायत माजून है, वो विलायत माजून है। और इस तरह से अगर माजून विलायत चली पड़ जाओ तो तुम्हारी जिंदगी भी तैयब होगी, तुम्हारी हयात भी तैयब होगी, तुम्हारी जिंदगी भी पाक होगी। मैंने ज़ियारत जामिया का जुमला पढ़ा है, उसको बार बार पढ़िए, वो जाला सलावातना अलैकुम व मा कस्सना बिही मिन विलायतकुम तीबन लखल्क़ना व तहारतन लिअन्फुसिना व तस्कियतन लना व कफ़ारतन लिज़ुनूबिना। ऐ आले मोहम्मद, जब हम तुम पर दुरूद भेजते हैं तो हमारी खिलकत ताहिर होती है, हमारी खिलकत में पाकीज़गी आती है, हमारे नफ्स में तस्किया होता है, हमारे गुनाहों का कफारा हो जाता है। सुभान अल्लाह, एजाज है और यह एजाज कयामत तक बाकी रहेगा। यह लफ्जों का खेल नहीं है, लफ्जों का खेल नहीं है, यह तकरीर सिर्फ जज्बात की आईन अदार नहीं है, बल्कि उन हकायक को आपके सामने रख रहा हूं जिन हकायक से मैं दो चार हूं, जिन हकायक से मैं दो चार हूं, और मैं जान रहा हूं कि यह उसी की विलायत का तसर्रुफ है जो आप यहां हैं, यह उसी की विलायत का तसर्रुफ है जो आप यहां हैं, वरना यह जिक्र कभी का कोहना हो जाता, कभी का कदीम हो जाता, कभी की यह तारीख बन जाता, मगर यह तारीख की तामीर नहीं है आले मोहम्मद, यह तारीख के मेहमान हैं, तारीख की तामीर नहीं है, हिस्ट्री ने इनको नहीं क्रिएट किया है, इन्होंने तारीख बनाई है। तो जो तारीख बनाता है उसको फसाना नहीं बनाते, वो फसाना नहीं बनता है, बल्कि वो बाकी रहता है, वो बाकी रहता है। और जब तारीख में ऐसा कोई आफ्ताब नजर आता है तब सारे सितारे मान पड़ जाते हैं। मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, यानी हिस्ट्री के धारे पे, तारीख के धारे पे जब कोई बड़ी शख्सियत उभर आती है तो फिर तारीख वो छोटे आदमियों का तस्करा ही नहीं करती। बिल्कुल ऐसे जैसे कि दिन को आफ्ताब निकले तो तारे छिप जाएं, तारे छिप जाएं, मगर इनकी मोहब्बत वो तहारत है और वो हयात तैयबा है कि इनका आफ्ताब भी चमके तो हुर भी चमके। हयात तैयबा, हबीब इब्ने मुजाहिर भी चमके, मुस्लिम इब्ने असजा भी चमके, ज़ुहैर इब्ने क़ैन भी चमके,
आप इस इतने अभी सभी पे शाकिरी भी चमके, मुस्लिम ने अकील भी चमके, नहीं 6 महीने का बच्चा भी चमके। आप समझ रहे, उस आफ्ताब के मुकाबले में हयात है तैयबा। अल्लाह अकबर, ये मामूली बात नहीं है, इसमें बहुत गौर कीजिए। कोई बड़ी पर्सनैलिटी जब तारीख में आती है तो छोटे छोटे नाम नहीं लिखे जाते, लिखे ही नहीं जाते, मगर इस तेजी के साथ आफ्ताब विलायत चमके, आफ्ताब शहादत चमके, आफ्ताब शफात चमके, और उसके साथ साथ फिर ये भी कि उधर इनका रोजा तो इधर अब्बास का रोजा, हयात तैयबा आगे बढ़ गई जिंदगी। मेरे मौला, हयात तैयबा कुछ करबला में है, कुछ काजमैन में है, कुछ फख में है, कुछ मदीने में है, कुछ खुरासान में है, और सिलसिले तकरीर हयात तैयबा शाम में भी है। हयात तैयबा शाम में भी है। बहरहाल कल के जिक्र से मुत्तसिल हो गया, उस बच्ची ने बिलक बिलक कर कहना शुरू किया, क्यों फूफी अम्मा बाबा नहीं आएंगे, क्यों फूफी अम्मा बाबा नहीं आएंगे। और फूफी बार बार समझा रही है कि इमाम की बेटी हो, न रो सकीना न रो, आएंगे बाबा जल्द आएंगे। और ये कह के बच्ची को कुछ देर जानू पर रखा और बच्ची की आंख लग गई, बच्ची की आंख लगी, अल्लाह यतीम बेटी जब बाप को ख्वाब में देखे और इस आलम में देखे कि बाप सामने है, दोनों हाथों को फैला के कह रहा है आ जाओ सकीना, आ जाओ, तो दौड़ के बाबा से लिपट गई, लिपटी और आंख खुल गई, आंख खुली, घबरा के फूफी के दानू से उठी और फूफी का दामन थाम लिया। फूफी अम्मा बाबा तो यहीं खड़े थे, बाबा तो यहीं खड़े थे, फूफी अम्मा मैं बाबा को आप दे लूंगी, मैं बाबा को आप दे लूंगी, मेरे बाबा आए थे कैद खाने में, मैं बाबा से पूरी तरह बातें भी न कर सकी, वरना कहती बाबा तमाचों के निशान तो देखो, बाबा मेरे गोहर छीने गए ये भी तो देखो, मैं बातें भी न कर सकी। फूफी ने तरह तरह से बहलाया, उधर ताहिर दमिश्की बयान करता है कि रात आधी हो चुकी थी, बस ये आखिरी जुमला तकरीर का, और उसके जानू पर यजीद का सर था, कभी आंखें खोलता था कभी आंखें बंद करता था, कि एक मर्तबा वो हुजरा जिस हुजरे में सरे हुसैन मुकफ्फल था, एक मर्तबा उसका कुल खुल कर गिरा, जंजीर खुली, दरवाजा खुला, सरे हुसैन हवा में मुअल्लल बाहर आया और ये कहते हुए आया, यजीद मेरी बच्ची मेरे लिए तड़प रही। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, खुदा वंदाम को कामिल ईमान कर, मिल्लत को मुत्तहिद कर, ममलकत को मुस्तहकम फरमाओ। तौजी أعوذ بالله